छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। चलो अब जल्दी जल्दी गालो, कल को काम को खत्म होने वाला। क्या 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 बात है, खैरियत तो है? पापा मेरी ना तबीयत आज बहुत खराब लग रही है। तो एक काम करो हनी, तुम रोजा छोड़ दो। ये कैसे बात बोल रहे हैं आप? मतलब नहीं नहीं, मैं रोजा नहीं छोड़ सकती, वैसे भी आज आखिरी रोजा है। बाद में रख लेना बेटा। अब पाप, अरे बेटे क्या हो गया यार? वो खराब है, जाके देख यार। तू नहीं कर, अपने नहीं खाऊं, भूख लगती है मुझे। कैसा मैं भूख लगती है मुझे? लड्डू, तुम यहाँ पे बैठ के आराम से ठूस रहे हो और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। तो मैं क्या करूँ उसमें? अब तुम मैं काम करो, तुम जाओ और मेरे लिए ना तुम नींबू पानी बना के ला के दो। अभी बना दूँ, सही तो कर लूँ। क्या हो गया लड्डू, कर तो नहीं सारी, और अब कितनी सारी करोगे? अरे बस ये दो निवाले ले लूँ फिर जा रहा हूँ। अबे यार जाना, नींबू पानी बना के ला देना यार। लड्डू ये तुम्हारी लाइफ का ना आखिरी खाना नहीं है, उठो जाओ। अरे ससुर जी दरवाजा भी देखना कौन है? बात समझा के देख, मैं तैयारी कर रहा हूँ यार। अबे जाके देखना। अबे यार तू जाके देख, क्या करोगे खा के? बड़ा अजीब आदमी है यार। मैं अरे पड़ोसन आई होगी, पत्ती मांगनी है। ठीक है। मैं अभी एक मिनट नींबू पानी बना के देता हूं। कौन है? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। मुझे सुबह 11 बजे भूख लगनी शुरू हो रही है। खाने में पानी डालूंगी। ओहो ओहो लड्डू, एक मिनट, यही रुक जाओ। ये क्या बदतमीजी है ये? हटो। ये बदतमीजी नहीं है रानी खाला, यही तो इस बाबा से बचने का वाहिद इलाज है। भाई फासला रखे फासला। लेकिन रानी बेगम आप इस वक्त इस तरह यहाँ तानी नहीं है तो इसका क्या मतलब है? तुम लोगों को मादर पितर आजाद छोड़ दिया जाए? ये आजादी पर फिर भाला किसने मारा भाई? ईद का मौका है, तानी ने मुझे कहा कि जाऊं तुम लोगों की निगरानी करूं, तो मैं पहुंच गई। हाँ ना, मामा चले गई तो क्या हुआ, रानी खाला तो आ गई है ना। वैसे खाला अच्छा हुआ आ गई, पता है मेरी तबीयत इतनी खराब है, ये दोनों मेरा ख्याल ही नहीं रख रहे। तबीयत खराब है तुम्हारी? वो तबीयत असल में। तुम क्यों मुंह देख रहे हो, जाओ डॉक्टर को बुलाओ जाके। रानी खाला इस वक्त डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, उसे कहाँ से लेके रहा हूँ? अरे जाओ, नहीं है। जी जी अभी गया, यूं गया, यूं ही ले गया। पागल देख रहे स्लो। उफ हाय गॉड। रानी बेगम कैसी हो? रानी बेगम ठीक हो ना? फासला क्या हुआ लड्डू, डॉक्टर ने क्या कहा? सब खैर खैरियत है ना? रानी खाला परेशानी की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दे दी है, वो बिल्कुल भली चंगी हो जाएगी। अच्छा। हाँ मगर उसने उसको कुछ टेस्ट करवाए, कुछ उसके हलक में डाला था, कुछ नाक में डाला था, उसके टेस्ट करवाने। क्यों, किस लिए? अरे वो कह रहा था घबराने की कोई बात नहीं है। हाय अल्लाह, मेरी भांजी की तबीयत ये ईद पर ही खराब होनी थी। अरे रानी खाला आप बिल्कुल परेशान मत हो ना, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है, सुबह तक भली चंगी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी उसकी तबीयत इंशाल्लाह। पक्की बात है ना? हाँ। ओरो सॉरी है ना वो? हाँ मैं देखूं। सॉरी। क्या बात है ससुर जी, इतनी तैयारियां किस खुशी में? अबे लड्डू रानी बेगम आई है, रानी बेगम। हाँ रानी बेगम तो आई है, लेकिन आप कहाँ के राजा हैं जो आप इतना तैयार हो रहे? अबे यार वो खामा खाएं के लड्डू, तुझे इतना भी नहीं पता है यार। और जब ससुर जी ने मेरे घर दामाद की ऑफर की थी ना मुझे, तो मुझे रानी बेगम को ही दिखाया था। ये रानी बेगम को देख के मैं लट्टू हो गया था, लट्टू। इन्हें देख के समझ गया बात पूरी नहीं हुई है, पूरी बात नहीं हुई है लड्डू। जैसे शादी हुई मैंने घूंघट उठाया तो एक सींग मारा,
उसने मुझे सिंह भरा, ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादती हुई आपके साथ। लेकिन ससुर जी अच्छा ही हुआ, इनकी आवाज देखिए दूसरे मोहल्ले तक जाती है, 10 गुना ज्यादा है मम्मी जी से। अबे छोड़ ना, तानी बेगम से थोड़ी ही ज्यादा आवाज होती, बर्दाश्त कर लेते हम यार। एक सेकंड, गुलाम भाई का फोन आया है, गुलाम भाई का फोन आया है। हेलो, हाल, अरे अम्मा अम्मा कैसी अम्मा, बाहर खड़ी हो? अरे अम्मा बाबा बाहर खड़ी हो अम्मा, ये क्या किया अम्मा? अरे अम्मा घर में बैठा करो ना, हाँ हाँ करो ना, कोरोना फैला हुआ है ना अम्मा, तो घर में बैठा करें। नहीं अम्मा नहीं, ये नहीं कह अम्मा, अच्छा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ अम्मा। क्या हुआ ससुर जी? अम्मा आई है, मेरी अम्मा बाहर खड़ी है। अरे तो अम्मा ही आई है ना, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? घर में स्प्रे कर, हालात ठीक हो जाए अल्लाह करे। अम्मा किसकी अम्मा? अरे मेरी अम्मा आई है भाई, मेरी अम्मा। अम्मा बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाओ। ये अभी तक जिंदा है? ओहो, ये तानी की बहन रानी है। अरे तुझे क्या परेशानी लगी हुई है मेरे जिंदा होने पर? तू क्यों उदास हो रही है? और अपनी माँ के बारे में क्या ख्याल है जो नागिन बने बैठी है? वो नजर नहीं आ रही तुझे? धोखेबाज ना हो तो। धोखा? कैसा धोखा? क्या धोखा किया है हमने, बताएं जरा बीच मैदान में। अरे इसके बाप ने इसकी मनुष्य शक्ल दिखाकर मेरे भोले भाले खूबसूरत गुलाम को फंसाया था। झूठ, सबा झूठ। झूठी तो आप हैं, फ्रॉड तो आप हैं। मैंने क्या झूठ बोला है? इतना बड़ा झूठ तो आप मुंह पे बोल रही हैं। गुलाम, भोला भाला, सोने पे सुहागा खूबसूरत। अरे बड़ी भी, अंधा भी टटोले ना तो साफ साफ देखकर बता दे वो कि यहाँ तो मुकम्मल ब्लैकआउट है। देख देख, तू मेरे मुंह ना लगी हो। हाँ कोरोना लड्डू। अरे मेरा बच्चा जीता रहे, देखो कैसी मेरी यार के गुलाब से इस्तकबाल कर रहा है। अरे अम्मा जी, यार के गुलाब नहीं है, ये कीड़े मारने की दवा है। हाँ, ये जरासीम कुछ दवा है, वो असल में एहतियात लाजमी है ना, वो तो करने। लट्टू फकीशन है इसके पीछे अभी भी, मुझे सब नजर आ रहा है। अम्मा जरा फासला रखो, समाजी फासला जरूरी है, हुकूमती ऐलानात नहीं सुनती हो अम्मा। अरे कभी अजवाजी फासले तो कभी समाजी फासले, ये लोग मिलने जुलने की बात क्यों नहीं करते? अरे दादी ये ले अपने हाथ दिखाए। हाँ इसको ना यूं करके अपने हाथों में मले, अपने हाथों पे भी अच्छे से लगा ले और मुंह पे भी लगा ले। अरे ये क्या थूक जमा करके रखा तूने? अम्मा लगा ले सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर नहीं होता, मैंने सीख लिया है, सैनिटाइजर होता है। दफा कर। मेरी बच्ची, मेरी पोती, तू इतनी दूर क्यों बैठी अपनी दादी से? इधर आ मेरे पास बैठ। अब नहीं, अब दादी जी कैसी बातें कर रही हैं? पता है आप ना दूर रहिए, वायरस फैलता है ना बस इसलिए। वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया इसको? इसको भी तो कर दो ना नहीं हो गया? कर दो ना नहीं, कोरोना बोलते हैं, कोरोना मैंने सीखा है। अरे वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम सब लोग ना अकल से पैदल हो गए हो। क्यों अम्मा? अरे ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो खुशखबरी की निशानी है। हैं? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अम्मा कुछ समझ नहीं आया क्या कह रही हो? अरे गधे, तू नाना बनने वाला है। अम्मा
क्या सच कह रही हो? नहीं 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 दादी दादी ऐसी कोई बात नहीं है दादी, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चुप कर, ऐसी कोई बात नहीं है। चल तुझे भी मुबारकबाद दे दूँ, तू बाप बनने वाला है। अब नहीं नहीं दादी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, ठीक कह रही है बड़ी भी, ऐसी ही बात है। ये बड़ी भी किसको कहा तूने? दूर दूर दूर, उसी को कहा जो बड़ी भी है। चल मरी आई। अच्छा खैर खैर खैर, मुबारक हो भाई, सबको मुबारक हो। ये कोरोना वायरस नहीं फैलता इससे, ये मास्क है मास्क। अच्छा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैं, मैं क्या गलत घर में आ गया हूँ? नहीं घर तो यही है, चुड़िया घर। अरे ये कौन है जो मुफ्त में मुबारक बातें बांट रहा? ये क्या गुलाम, तुमने मांगने वाले को भी सोफे पे बिठा के रखा है। ए, ए, ओ, 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 अम्मा मेरी। अच्छा अम्मा है तुम्हारी, माफ करना अम्मा, मुझे माफ करना, मैं सलाम पेश करता हूँ, माफ कर देना, सलाम पेश करता हूँ। जीते रहो जीते रहो। वैसे तुम हो कौन? ये वो लड्डू का अब्बा है। अच्छा अच्छा भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा भाई मुबारक हो तुमको भी, क्योंकि भाई ईद का टाइम है, सबको मुबारक, सबको मुबारक, सबको मुबारक, सबको मुबारक। अरे इस बात की मुबारकबाद नहीं दे रही है अम्मा यार। तो फिर किस बात की मुबारकबाद दे रही है? तुमने बगैर इम्तिहान के आठवीं जमात पास कर ली क्या? अरे फरौन की शक्ल वाले, तू दादा बनने वाला है। अब तुम्हारी दादागिरी शुरू। मैं दादा बनने वाला हूँ, लड्डू लड्डू, मैं दादा बनने वाला हूँ, मैं दादा बनने वाला हूँ, लड्डू लड्डू ओ लड्डू। अब्बा तुम कहाँ से आ गए? मुबारक हो, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई खुशी की खबर मुझे दी है, मुबारक हो। फासला रखो, फासला रखो, तुम जानते हो पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का वायरस फैला हुआ है, बिल्कुल करीब मत आना। अब्बा मेरी बात सुनो, जब तक कोई टेस्ट नहीं हो जाते, रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कंफर्म कोई बात नहीं की जा सकती, समझ आ गई? अबे चुप कर, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, मुझे कह रहा है, अब्बा को समझा रहा है। ये क्या जेब से कोरोना निकाल रहा है? गड़बड़ हो गई। अरे कैसी गड़बड़ हो गई? बात दरअसल ये है कि मैं बैंक से पैसे लेना ही भूल गया, केश कराना ही भूल गया, और आज तो बैंक बंद है, अब क्या होगा? यार तो तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है भाई? अरे चुप कर, मुझे कह रहा है, अरे ईद का मौका है और उस पर इतनी बड़ी खुशी है, मैं तो कहता हूँ खूब खैरात करो, खूब खैरात बांटो, खूब खैरात बांटो। कह तो बिल्कुल ठीक रहा है। वैसे ये खातून कौन है? मेरा नाम रानी बेगम है, तानी की बहन हूँ। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, मुझे अब पूछने की क्या जरूरत है, बस मैंने तो कह दिया, बस आप खैरात बांटने के लिए पैसों का बंदोबस्त करो, मैं खैरात लेने वालों का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि चांद आज होगा। क्यों भाई ऐसा ना बोल, शर्त लगा लो चांद आज ही होगा। मैं लगा लो शर्त, लेकिन कैसे लगा लो? एक तरफ सामाजिक फासला, दूसरी तरफ शर्त, मैं तो कहता हूँ मगर लगा लो, लगाओ इस बात के ऊपर कि चांद होगा या नहीं होगा। लगा लो, आ जाओ आ जाओ, लगा लो, लाओ 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 लाओ, पैसे निकालो पैसे निकालो। ओए ओ ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है ये? वो कुछ नहीं, बस ऐसी शर्त लगा रहा है कि इसने तुम्हें बताया नहीं है कि ये बाप बनने वाला है। ये कब हुआ, ये कब हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात है, इसकी शर्त लगाओ इससे कि इसके यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी। हाँ ये हुई ना बात, बात हुई ना, मेरी बात सुनो, देखो टेस्ट होने से पहले तो ये कंफर्म नहीं हो सकता ना, तो इस बात की शर्त नहीं लगाई। चुप, कल सुबह रिपोर्ट आ जाएगी कि इसके यहाँ बेटा होगा या बेटी या बच्चा कब आएगा। ठीक हो गया, ये उसी की हो गई फिर शर्त, ठीक है चांद पे से गई, ठीक है ये हो गई, बेटा होगा या बेटी होगी, ये हो गया, चलो और ये कल पता चलेगा, चल आ जा।
मैंने तानी से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। बस जी, हम तो है ही मशहूर, यहाँ भी और वहाँ भी। अच्छा ये बताइए कि उस खुशखबरी के बारे में आपने क्या सोचा? अरे तारा बाबा, आपको कैसे पता चला? लो, हमें चांद सितारों की खबरें मालूम है, तो आपके घर की खबर क्यों नहीं रखेंगे? वाह क्या बात है आपकी। अरे ये कौन है? जाली अरबी। ये तानी की सास है, मेरी होते होते रह जाने वाली। अच्छा, इसका मतलब ये है कि घर में खुशी के साथ साथ परेशानी भी मौजूद है। अरे इस पे वो फुसफुस करना पानी वाला। फुसफुस? स्प्रे। कौन सा स्प्रे? मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखें आप लोग, पैसे बांटें, दिल खोल के बांटें, जितना हो सके आप बांटें, और इस घर को जरा सजाएं भी, क्योंकि खुशियां कभी कभी आती है। नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो सब ईद के बाद मुमकिन है ना, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो सजाने वाला कैसे मिलेगा हमें? ओहो, बंदा मैं भेज दूंगा। आपकी इल्म नजूम के साथ डेकोरेशन की भी दुकान है? लो, मरीख में जितनी शादियां आपके इस खादिम ने कराई है। मरीख? भाई बहुत ही बड़ा फेंकू है। भाई आप क्यों मौजूद है यहाँ पे, क्या काम है आपका? जाए यहाँ से। लावा जी, तानी के खास मेहमान है ये, तानी इनकी कोई बात नहीं टालती। अरे इतनी बातें अपने शोहर की मान लेती ना तो आज जन्नती होती जन्नती। अच्छा ऐसा है कि आप दोनों अपने घरेलू मसले खुद ही सुलझा लें, मुझे बस मेरे टाइम ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट की फीस अदा कर दीजिए। हाँ जी जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं वो मैंने हिसाब किताब की रखी। बस एक बात मेरी कान खोल के आप सुन लें, गरीबों में जितना हो सके बांटो, पैसे तकसीम करते जाओ, कहीं देर ना हो जाए। अरे नहीं तारा बाबा, वो तो हम अभी से शुरू कर देते हैं। तारा बाबा आप बड़ी मेहरबान। अरे क्या कर रही है? यही करना चाहिए था इसके साथ। एक तो अम्मा। ओलाओ, कहाँ? पैरों में चक्कर है क्या? क्या मसला है? पता है ना बाहर बाबा फैली हुई है। वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ बाबा को। हाँ नहीं नहीं, बाबा बाबा मैं अम्मा को छोड़ने जा रहा। बाबा जा रही है? मेरा मतलब है अम्मा जा रही है। अरे तुझे क्या तकलीफ है धोखेबाज? मैं तेरा और तेरी बहन का नहीं खा रही, मैं अपने बेटे के घर आई थी। ओहो चले खैर, वैसे कहते हैं कि जाने वाले से अच्छे से बात करनी चाहिए। तो अम्मा जी इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? वो जरा घर में बहुत जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ। और सुन, हनी का ना ख्याल रखना, उससे कोई ज्यादा काम नहीं करवाना। वैसे ही कौन सा करती है वो काम? है क्या मतलब? नहीं अम्मा कुछ नहीं कुछ नहीं। अम्मा चलो, देर हो रही है, आओ चलो चलो आ जाओ आ जाओ। पहले तू चल। अच्छा हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज़। खुदा ही हाफिज़, खुदा ही हाफिज़। आ जाओ अम्मा, चलो आ जाओ आ जाओ। तुम बातों की आज की मस्ती नहीं खत्म होती। वो आप रकम तकसीम करने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार। तो फिर चले। कहाँ? बाहर। बाहर? बाहर तो करो ना। अरे आप कैसी बातें कर रही है, अगर गरीबों में हम माल और खैरात तकसीम करते हैं और अगर हमें कुछ हो भी जाता है कोरोना की वजह से, तो हमें शहादत का मर्तबा मिलता है। भाई वैसे अल्लाह ना करे, ऐसे काम में इबादत से ज्यादा सवाब मिलता है। ये तो खैर आप ठीक कह रहे हैं, बात तो ठीक है आपकी। तो फिर चले। चले आप चले, मैं पैसे लेकर आता हूं। ठीक है, मैं बाहर इंतजाम कर रहा हूँ। आइए आइए आइए। हाँ मिल गया। हेलो, अरे भाई कहाँ रह गए हो, जल्दी आओ पूरी टीम को लेकर, खैरात बट रही है। फिर ना कहना कि मैंने तुम्हें ईदी नहीं दी। और जितनी जल्दी आओगे, अगर मैडम चली गई तो कुछ नहीं मिलेगा। बस बस मैंने कहा पूरी टीम को लेकर फौरन आ जाओ, मैं मैडम की तरफ जा रहा हूँ। जल्दी आ जाओ शाहबाज़, जल्दी आ जाओ, आ जाओ गफूर वली सुलेमान तुफैल सबको ले आओ, आ जाओ आ जाओ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात, सवाब का सवाब और दुआ की दुआ। लाइए मैडम मुझे दे दीजिए, मैं इनमें बांट देता हूँ। हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं। क्या बकवास कर रहा है? नहीं 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 नहीं, तुझे एहसास नहीं है
एक खातून कब से खड़ी बांट रही है पैसे गरीबों में, थक गई होगी, आराम करने दे इन्हें। हाँ ठीक कह रहे हैं ये, बिल्कुल ठीक है, आप तकसीम कर दें बाकी के नोट। ठीक है मुझे दो। लेकिन खाला वो सवाब का क्या होगा? अरे बस बस रहने दे, सवाब का क्या होगा, क्या एक ही दिन में सारी जन्नत मिल जाएगी मुझे? नहीं थोड़ी थोड़ी मिले। तो थक गई हूँ मैं, जा रही हूँ। जाने दे जाने दे, थक गई है वो। तुम नहीं सुन रहे, पैसे दो। चुप, अपने काम से काम रख। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ये सारे पैसे मैं तुम्हें बांटूंगा, लेकिन है ना कि जकात देते वक्त इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता न चले। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिफाफे लेकर आता हूँ, उसमें डाल के आपको दूंगा। ठीक है बेटा, आप लोग यहीं खड़े रहना। या खुदाया, समाजी फासले के एकामात की यहाँ धजियां उड़ाई जा रही है, अरे ये क्या हो रहा है? एक मिनट, हेलो जी, अरे 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 क्या जुम लगा रखा है, वो किसने कॉल की थी मुझे? वो कॉल जी मैंने की थी आपको, प्यारे मियां ने, जो भी इनाम हो वो मुझे मिलना चाहिए। बच्चों इनाम तो तुझे थाने चल के मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात सुने, मैं एक मौजूद शहरी हूँ यार, रश लगे हुए देखा आपको, फोन कर दिया। और आप भी जरा ना दूर रह के बात करें, सामाजिक फासले के बारे में शायद आपने सुना नहीं है क्या? बच्चों अभी तो तूने सामाजिक चित्रोल के बारे में नहीं सुना है, चल जरा थाने। देखिए पुलिस वाले भाई, आप खामखाई नाराज हो रहे हैं आप देखिए, ये तो मैंने तो अपना फर्ज निभाया था, अब आप चाहें तो अपना फर्ज निभाएं। माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं देखा कैसी खिदमत कर रहा है तुम्हारी। देखें देखें बेग साहब, अपनी जगह वही 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 खड़े रहिए, आगे बढ़िएगा मत, देखिए बेग साहब प्लीज। ओए ये डायलॉग तो पुलिस का है। अरे अब हम सब का यही डायलॉग है बेग साहब। ओए क्या बकवास है ये बेग साहब, आपने सुना नहीं कोरोना से बचाव है ये? अब किस पे भी स्प्रे करूंगा मैं, पूरी बोतल खाली हो जाएगी स्प्रे की। ये बताओ बाहर रश किस लिए लगाया है? वो तो खैरात बांट रहे थे हम लोग। ओए इतना हुजूम लगा के, और ये बताओ खैरात का माल किधर है? और बाहर लड़के तो बता रहे हैं कि तुम अपने बच्चे होने पर और चांद पर पैसे लगा रहे हो। बेग साहब आज तो छोड़ दे, कल ईद आने वाली है। और शर्म करो, बच्चे आने और चांद पर इतने पैसे लगाते हो, बाहर इतना हुजूम खैरात के नाम पे इकट्ठा किया हुआ है, और मुझे सामाजिक जिम्मेदारियां सिखा रहे हो। What the hell? क्या हो रहा है ये, क्या बकवास है, लेकर जाए इसे। रानी खाला बचा ले मुझे। चलो लड्डू आज तेरी ईद थाने में होगी, चल। अरे आप नाना बनने वाले हैं? सना की इतनी हिम्मत? अरे तू कहाँ जा रहा है? आपके साथ। पैसे तू देगा? अल्लाह ना करे। बैठ, तू डर मार। अरे मैं मर गई। पापा मैंने कह दिया मुझे शादी नहीं करनी है अभी। तुम्हारा बाप भी करेगा शादी? हाँ क्या मतलब भाई? हमारे काम पुरखों से चला रहा है, मेरे दादा के दादा के दादा ने शुगलों की शादी करवाई। अबे शुगलों की नहीं, मुगलों की करवाते होंगे। मैं कौन सी दुनिया से आयो? तेरा सैयारा है ना, उसके आगे वाले सैयारे से आया हूँ। मैं जहाँ कहूंगी वो वही शादी करेगा। ये हुई ना, देखो खानदानी लोग हैं भाई, मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझे। मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।